Hi, Cricket Sports Online. This is Tilak Verma and my coach Mohammad bin Salam Bayash. मैं क्रिकेट 12 इयर्स में है जब स्टार्ट कर रहा और मेरा घर बारकास में है और मेरा मम्मी डैडी मेरे को बहुत सपोर्ट करता है, बहुत सपोर्ट है घर में से। सलाम सर मेरे को बारकास में पहचानता था और मैं उधर से सर के साथ निंगमपल्ली आता था LSA लीगल स्पोर्ट्स एकेडमी को और मेरा घर इधर। उसके आफ्टर फ्यू मंथ्स आई शिफ्टेड माय हाउस नियर निंगमपल्ली। आई एम स्टेइंग नियर माय मॉम्स ब्रदर्स हाउस। तिलक वर्मा स्टूडेंट है मेरा, बहुत अच्छा स्टूडेंट है। 2011 में तिलक वर्मा मेरे पास आया था समर कैंप में। समर कैंप से टेनिस बॉल खेलता था वो पहले, तो बहुत अच्छा खेल रहा था। तो उसके पेरेंट्स को बुला के मैं बोला कि वो ज्वाइन करो इधर रेगुलर कैंप। तो जब से वो मेरे पास ही है। आई यूज टू कम एट मॉर्निंग 6 o'clock एंड आई विल डू सम वार्म अप। आफ्टर दैट आई यूज टू प्ले सम नेट्स। आफ्टर फिनिशिंग नेट्स आई सलाम सर गोइंग टू स्टार्ट सम थ्रो डाउन्स बॉलिंग मिशन एंड सम नॉकिंग। आफ्टर दैट आई विल टेक सम रेस्ट। आफ्टर रेस्ट आई यूज टू डू सम फिटनेस एंड फील्डिंग। आफ्टर दैट अगेन कैंप इवनिंग 4 to 6 कैंप। आफ्टर फिनिशिंग इवनिंग कैंप आई यूज टू गो टू होम विद सलाम सर। बहुत हार्ड वर्क करता है वो और पेशेंस अच्छा है उसका। जो बात बोलते हैं वो उसको एक्सेप्ट करता है और थोड़ा माइंड अच्छा रखता है गेम पर और जितना हो सकता हार्ड वर्क करने का प्लान करते रहता। और जो चीज़ जो मिस्टेक उसको बोलते रहते वो घर पे जाके कवर करते रहता उसको। मैं 12 इयर्स में है जब अंडर 14 स्टेट हैदराबाद को रिप्रेजेंट करा और उस सीज़न में ज़्यादा रन्स नहीं करा और तो उस सीज़न मेरे को बेस्ट फील्डर और बेस्ट कैप्टन अवार्ड आया और मेरे कोच मेरे को कॉन्फिडेंस दे के नेक्स्ट ईयर अंडर 14 स्टेट में हैदराबाद में कैप्टन करा और उस सीज़न बेस्ट बैट्समैन और बेस्ट फील्डर आया। उस सीज़न 460 रन्स करा अंडर 14 में और उस सीज़न वनडे लीग्स खेला था। वनडे लीग्स में दाऊद सर फारूक सर बहुत मेरे को सपोर्ट करें। उसके बाद अंडर 16 हैदराबाद को रिप्रेजेंट करा। अंडर 16 स्टेट में 960 रन्स करके ऑल इंडिया में फर्स्ट नंबर वन पोजीशन आया। उसमें अनिरुद्ध सिंह सर का सपोर्ट था और सलाम सर बहुत कॉन्फिडेंस दिए थे उसमें। ऑफिशियल क्रिकेट स्टार्ट करने के टाइम पर मैं उसको देखा था, काफ़ी अच्छा टैलेंट है उसके पास, पेशेंस अच्छा है। एक उसके पास एक उम्मीद ऐसा दिखता था कि वो हार मानने वाला प्लेयर नहीं था और सोचता था कि ये लड़का आगे जाता, बल्कि एम था मेरा कि उसको हार्ड वर्क कराना और उसमें कुछ ऐसा टैलेंट था कि वो 100% आगे जाने के लिए है। तो वो चीज़ देखकर उसका पेशेंस देख के उसका हार्ड वर्क देख के मैं उसको ज़्यादा वर्क कराता था और वो एक्स्ट्रा टाइम भी देता था, पढ़ाई मैनेज करता था, गेम को एक्स्ट्रा वर्क करता था। आज जाके वो ये लेवल पे पहुंचा है तिलक वर्मा, अच्छा हार्ड वर्कर है। My debutant is my age of 13 years old and I played leagues for Vijayanagaram team and my second season of leagues I hit 800s and 8 half centuries. I started my school days of Crescent Modern English School and I used to play at morning 6 to evening 6 p.m. And at evening timings I used to study 1 hour. After that I am focusing at cricket. I am studying inter first year at Lipakshi Junior College. At nowadays I am playing three day leagues for India Siemens. Also I went for under 16 India camp. State के लिए अपने हैदराबाद के लिए एक अच्छा player बन सकता हो और अपने इंडिया का नाम रोशन कर सकता हो और उसके फैमिली मेंबर्स भी बहुत सपोर्ट करते हैं उसको और जितना हो सकता वो अपने फ्रेंड्स के साथ भी बहुत कम रहता और क्रिकेट ही उसका फ्रेंड है और उसका लाइफ भी क्रिकेट है। मैं सोचता हूँ कि वो आगे जाके इंडिया के लिए अपना टाइम दे
अपना फ्यूचर इंडियन टीम के लिए बनाए। हैंडराइट हैदराबाद को रिप्रेजेंट करा, उसके बाद रणजी ट्रॉफी प्रैक्टिस में विदर्भ टीम के साथ रिप्रेजेंट करा, और मेरा गोल नेक्स्ट ईयर अंडर 19 इंडिया को खेलना है। अभी अंडर 19 इंडिया के लिए सेलेक्ट होने के लिए उसको प्लान सेट कर रहे हैं हम लोग, हार्डवर्क कैसा कराना है, कैसा उसको और इम्प्रूव कराना है ताकि वो नेक्स्ट ईयर तक अपने इंडिया के लिए सेलेक्ट हो अंडर 19 के लिए। और उसका ड्रीम भी है कि अंडर 19 इंडिया खेलना और मेन इंडिया टीम को खेलना, अपने स्टेट का नाम रोशन करना, अपने स्टेट के लिए रणजी ट्रॉफी खेलना, उसके लिए हार्डवर्क करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। और कोशिश हम लोगों की ये रहेंगी कि उन्हें जितना हार्डवर्क करेगा उतना हम लोग कराने के लिए रेडी है, और हमारा भी एम ये है कि वो इंडिया खेले। थैंक्स टू नवीन सर, रमेश सर, पृथ्वी सर एंड ऑल्सो माई कोच सलम भाई सर। थैंक्स टू मीर दाऊद अली सर एंड मोहम्मद फारूक सर एंड अनिरुद्ध सर। ऑल्सो थैंकफुल टू हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन जो काफ़ी अच्छा सेलेक्शंस के ऊपर वर्क करे और अच्छा टैलेंटेड और परफॉर्मेंस प्लेयरों को सेलेक्ट करे। थैंक्स फॉर हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन। और मेरे कैम में और भी मेंबर है जैसे अनीश रेड्डी, जीएसपी तेजा बालाजी और आर्यन, अवधेश, सात्विक, काफ़ी अच्छे यंगस्टर्स हैं। मेरा अपकमिंग क्रिकेटर्स के लिए एक मैसेज है कि अपना गेम को बेसिक के ऊपर वर्क करें और पेशेंस रखें, बस उतना ही है। रेस्पेक्ट करें सीनियर्स और कोचेस का। और थैंक्स फॉर क्रिक स्पोर्ट्स ऑनलाइन।